हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर मैगी का एक रेसिपी शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आप लोगों ने पनीर और मैगी को अलग अलग बनाकर कई बार खाए होंगे, लेकिन एक साथ किस तरीके से झटपट बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं और इवनिंग रेसिपी के रूप में शेयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में पानी लेकर मैगी को उबाल लीजिएगा और उसे अलग करके रख लीजिएगा, और फिर थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पनीर को भी अलग फ्राई कर कर रख लीजिएगा। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा प्याज, टमाटर और कैप्सिकम, जिसको बारीक काट कर आप तैयार कर लीजिए। और फिर एक पैन में थोड़ा सा तेल लेकर प्याज, टमाटर और कैप्सिकम को पहले फ्राई कर लीजिए, और फिर उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ा सा हल्दी डाल कर फ्राई कर लीजिए। और फिर उसमें भुने हुए पनीर जो हम लोगों ने पहले से अलग रखा था उसको भी साथ में मिलाकर फ्राई कर लीजिए। फिर थोड़ा सा सोया सॉस और जो मैगी हम लोगों ने अलग से बॉईल करके रखा था वो ऐड कर लीजिए, और फिर सबको धीरे धीरे इकट्ठे मिलाकर एक साथ फ्राई कर लीजिए। और फिर थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आपका स्पेशल पनीर मैगी रेसिपी रेडी हो गया है। इसको आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो फिर आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करते हुए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।